फ्रेंड्स मैं शुभ वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट बॉक्स में सेपरेट कमांड के बारे में जानने की। जैसे देखो आप, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, रियलिस्टिक व्यू ऑन कर लेते हैं हम यहाँ से ताकि हमारा 3D में विजिबल हो। और एक और ऑब्जेक्ट हमने किया यहाँ पर, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले तो ये अलग अलग है, पहले मैं इनको यूनियन कराता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ, इसको लिया इसको लिया एंटर। अब एक को सेलेक्ट करूँगा दोनों हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये यूनियन है, दोनों एक ही बॉडी के दो अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है। अब इनको फिर से अलग अलग करना है तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करेंगे सेपरेट। सेपरेट लिया दोनों ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों एक ही हैं, और एंटर कर देंगे दो बार, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से ये अलग होंगे, ये अलग होगा फिर से, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मैं अंडू करके भी कर सकता हूँ, लेकिन अंडू कर तो तभी आप कर सकते हो जब आपने ये काम जस्ट एक स्टेप पहले किया हो, ठीक है। अब मान लो आपने यूनियन करा रखा है, उसके बाद आपने फीचर कमांड यूज़ कर लिया, फिर आपको सेपरेट करना है अलग अलग, तो आप सबको अंडू थोड़े कर पाओगे या तो उस कमांड में जाके थोड़े अंडू कर पाओगे। इसके लिए हम सेपरेट यूज़ करते हैं ताकि हम यूनियन कराने के कुछ टाइम बाद भी हम अलग अलग कर सकें। अब अगला कमांड पर आते हैं, ये हमारा शेल। शेल बेसिकली होता क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से हॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने लिए यहाँ पे शेल, शेल लिया, सभी को सेलेक्ट किया एंटर। कितना अंदर से हॉलो करना है यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस आप डाल दो, हमने ऑफसेट डिस्टेंस डाल दिया यहाँ पे 4 एंटर। अब देखो आप ये अंदर से हॉलो हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है। अब कैसे पता करना है, क्योंकि ये तो हॉलो है और बाहर से पूरा पैक्ड है, तो उसको पता करने के लिए आपको मैंने लास्ट का लेसन में आपको एक कमांड बताया था स्लाइस। स्लाइस लिया, फिर सेलेक्ट किया एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने क्लिक किया एंटर करके। अब इसको पिक करके इधर से मूव कर लो, देखो ये अंदर से आपका फॉलो हो चुका है, ठीक है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, शिफ्ट और स्क्रॉल दबा के आप रोटेट कर सकते हो, देखो, ठीक है। इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्लाइस कमांड, ठीक है। और स्लाइस कई तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है टॉप से कट करके देखना है, जैसे हमने एक और बॉडी बनाया, ठीक है। यहाँ से हमने शेल लिया, इसको सेलेक्ट किया एंटर, कितने से दिया 5 mm, ठीक है। और तब 5 mm करके एंटर करके दो बार एंटर करना है, ठीक है। यानी टोटल 3 times एंटर करना है, ठीक है। स्लाइस कमांड यूज़ करते हुए अब हमने यहाँ से स्लाइस किया, इस फेस सामने होके यहाँ पे हम कट करते हैं एंटर, और इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट से स्कोप चेंज कर दो इधर। अब स्लाइस को और इसके फेस को सिलेक्ट करो, स्लाइस किया, इसके फेस को सेलेक्ट किया एंटर, यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया एंटर, और इसको क्लिक करके आप मूव करो, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारा फॉलो हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सेपरेट और शेल कमांड को यूज़ करेंगे विद स्लाइस, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।